Hello student, welcome to BDSK online classes. I study class 8, topic cube and cube roots. आज student हम लोग cube and cube root में सबसे पहले हमें cube याद करना चाहिए. तो जैसे 1 का cube तो हमें मिलता है 1, 2 का cube 8, 3 का cube 27, 4 का cube 64, 5 का cube 125, 6 का क्यूब 260, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000. ये रिमेंबर करना चाहिए स्टूडेंट. अब देखिए 1 का क्यूब, 1 का वंस प्लेस देखिए इसका. 1 का वंस प्लेस 1 8 7 4 5 6 3 2 9 0. ये हमने देख लिया वन स्पेस. अब हमें एक्सरसाइज हम ले रहे हैं बुक की. एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1, इसमें क्यूब निकालना. क्यूब रूट है 64 दिया हुआ है. क्यूब रूट को इस तरह डिनोट करते हैं. इसके अंदर लिखा हुआ 64, इसका क्यूब रूट बताना है. तो 64 का क्यूब रूट देखें तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 64 ऐसे लिखें, 2 से करें, 2 3 जा 6 2 2 जा 4, नाउ 2 से, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, नाउ 2 से, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा. तो इस तरह से स्टूडेंट हम लोगों ने इसका प्राइम फैक्टर किया, ठीक है. तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2. तो इसके पेयर ऑफ ट्रिपलेट्स देखेंगे. पेयर ऑफ ट्रिपलेट, ट्रिपलेट्स कितने बन रहे हैं, 2. तो 2 मल्टीप्लाई 2 यानी आ गया 4. तो इस तरह से स्टूडेंट 4 का क्यूब रूट कितना होगा, मतलब 64 का क्यूब रूट 4 होगा और 4 का क्यूब 64 होगा, ठीक है. ये तो ये हो गया. एक और देखिए 512. सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2. अब इसका क्यूब रूट देखें, 500 इसका 12 का. तो क्या होगा, इसके पेयर ऑफ ट्रिपलेट्स देखें, इसके पेयर ऑफ ट्रिपलेट्स 1 2 एंड 3 पेयर ऑफ ट्रिपलेट्स बन गए. तो बाहर करेंगे 3 3 जा 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, यानी इसके ट्रिपलेट्स कितने हुए, 2 के 3 ट्रिपलेट्स बने. यानी हमने इसमें से 3 बार 2 को बाहर किया तो 2 2 जा 4 2 जा 8 हमारा क्या आ गया, इसका क्यूब रूट आ गया. यानी 512 का क्यूब रूट कितना होता है, 8 होता है और 8 का क्यूब 512 होता है. नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा थोड़ा बड़ा है. देखिए 10,648 इसका हमें क्यूब रूट बताना है. तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस तरफ से 3 को बाहर करेंगे, यहाँ 2 बचे, पेयर बनाएंगे. तो एक 3 का पेयर यानी एक ट्रिपलेट बन रहा है और एक सिंगल डबल डबल बन रहा है, मतलब डबल
तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका वंस प्लेस देखेंगे, एट है, तो एट हमारा वंस प्लेस कहाँ है, ये, तो इसका मतलब ये टू का क्यूब है, तो इसके नीचे लिखेंगे टू, और टेन देखेंगे तो टेन हमारा वन और एट के अंदर है, एट और ट्वेंटी सेवन के बीच में है, तो इसका मतलब ये ट्वेंटी टू का हमारा क्यूब है। आइए चेक करें, तो सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 48, चलिए 2 से, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, नाउ 2 से, 2 1 जा 2, 2 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, नेक्स्ट 11 से, 11, 1 जा 11, 11 2 जा 20, और 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, 11, इस तरह से हमने ये देखा। अब इसका हम क्यूब रूट निकालें, तो पेयर इसके बनेंगे 2 के, ये ट्रिपलेट बना और 11 का ट्रिपलेट बना, 11, तो ये दो हमारे ट्रिपलेट आए, तो ट्रिपलेट को बाहर करें, 2 इंटू 11 20, ठीक है, ये इसका शॉर्ट फॉर्म था। शॉर्ट फॉर्म के लिए पहले हम इस मतलब इसको राइट हैंड साइड से ट्रिपलेट बनाएंगे, फिर जो बचेगा उसे कट करेंगे। ट्रिपलेट का वन डिजिट देखेंगे, अगर वन डिजिट एट है तो एट के लिए टू यूज़ करेंगे, ठीक है, अगर सेवन होगा तो थ्री यूज़ करेंगे, फोर होगा तो फोर यूज़ करेंगे, फाइव होगा तो फाइव यूज़ करेंगे, और टेन में देखेंगे कि हमारा किस डिजिट के अंदर आता है, टू आर थ्री, इन दोनों में से इन्हीं एट और ट्वेंटी सेवन के बीच में टेन आ रहा है, तो जो स्मॉलेस्ट डिजिट है उसका ये सेकेंड प्लेस होगा, यानी टेंथ डिजिट हो जाएगा, तो ये 22 का क्यूब रूट है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे पास है 27,000, ये चलिए, तो अगर इसका आंसर जानना चाहें तो फर्स्ट से 27 पेयर नीचे एक, ये ना, तो जीरो का तो जीरो हो गया, और 27 हमारा एग्जैक्ट थ्री के साथ आ रहा है, इसका मतलब ये थर्टी का। आइए इसको सॉल्व करें, क्यूब चलिए 2 से, 2 1 जा 2, ठीक है, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, फिर नाउ 2 से, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, नाउ 2 से, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, और 2 5 जा 10, 3 से, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, फिर 3 से, 3 3 जा 9, ठीक है, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 3 से, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 से, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से, 5 5 जा 25, 5 2 जा 5, तो देखिए इसका अगर हम निकालें तो इसका हमारा क्यूब रूट कितना होगा, 2 का ट्रिपलेट बन रहा है, ठीक है, फिर 3 का ट्रिपलेट बन रहा है, एंड फिर 5 का ट्रिपलेट बन रहा है, तो इस तरह से हम लोगों ने 3 ट्रिपलेट बाहर किए, 2 3 एंड 5, 5 टू जा 10 टू जा 30, ये 30 का क्या है, क्यूब है, 30 का क्यूब होता है 27,000, और 27,000 का क्यूब रूट होता है 30। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास है 15,625, इसका क्यूब रूट बताना है, 15,625। तो सबसे पहले हम ट्रिपलेट में 625 का वंस प्लेस 5 है, तो 5 के लिए 5 यूज़ करते हैं, और 15 हमारा जो है इसी के बीच में है, तो ये 25 का क्यूब रूट है, ठीक है। आइए देखते हैं
25 का क्यूब कितना है, आइए इसका क्यूब निकालें तो 15625। चलिए 5 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
10 5 5 10 फिर 5 1 जा 5 5 2 जा 10 5 5 जा 10 फिर 5 से 5 2 जा 10 5 5 जा नाउ फिर 5 से नाउ फिर 5 से 5 तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन देंगे तो 5 5 5 5 5 एंड 5 तो इसमें पेयर ऑफ ट्रिपलेट कितने मतलब समझना इसमें फैक्टर ऑफ ट्रिपलेट डबल दो ही बन रहे हैं तो इसमें फैक्टर ऑफ ट्रिपलेट से 5 और 5 को क्यूब रूट से बाहर लेंगे 5 5 जा 25 आंसर आ गया नेक्स्ट हमारे पास है 13,000 824 इसका क्यूब रूट निकालना तो देखिए सबसे पहले वन स्पेस पे 4 है तो 4 के लिए 4 इस्तेमाल कर लें और 13 जो है 8 और 27 के बीच में यानी 2 इस्तेमाल कर लें ये 24 का क्यूब रूट है आइए हल करें चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन करें 824 2 से 26 जाएगा 29 जाएगा 21 जाएगा 22 जाएगा नाउ फिर 23 जाएगा 6 टू 4 जाएगा 25 जाएगा 26 जाएगा नाउ फिर 21 जाएगा 27 जाएगा 14 22 जाएगा 4 28 जाएगा 16 नाउ फिर 28 जाएगा 16 26 जाएगा 24 जाएगा नाउ फिर 24 जाएगा 8 23 जाएगा 6 22 जाएगा 4 नाउ फिर 22 जाएगा 4 21 जाएगा 26 जाएगा 12 26 21 जाएगा 0 28 जाएगा 16 फिर 2 से करेंगे तो 25 जाएगा 10 और 24 जाएगा 8 फिर 2 से करेंगे 22 जाएगा 4 और 27 जाएगा फिर 3 से 39 जाएगा 33 जाएगा 9 और 31 जाएगा 3 अब हम इसके ट्रिपलेट की बात करें यानी इसका प्राइम फैक्टराइजेशन देखें तो 2 का पेयर बन रहा है 1 ट्रिपलेट बन रहा है फैक्टर ऑफ ट्रिपलेट 1 फैक्टर ऑफ ट्रिपलेट 2 2 का 2 ट्रिपलेट 2 का 3 ट्रिपलेट और 3 का 1 ट्रिपलेट ये बन गया हमारा ट्रिपलेट तो कितने ट्रिपलेट बन रहे हैं 1 2 3 एंड 4 2 2 जा 4 2 जा 8 8 3 जा 24 इस तरह से 24 का क्या है क्यूब है 24 का क्यूब 13,824 है और 13,824 का क्यूब रूट 24 है नेक्स्ट हमारे पास एक प्रॉब्लम और है लास्ट वाला देखते हैं पेयर वन पेयर सिंगल तो देखिए 5 का 5 मिनट प्लस 5 का 5 मिनट प्लस 5 का ठीक है 91 देखिए इसके बीच में है तो 64 और 125 के बीच में है ये 45 का हमारा क्यूब है 45 का क्यूब ये 45 का क्यूब है आइए देखिए कैसे 91125 3 से 33 जा 9 0 33 जा 9 37 जा 35 जा 3 से 31 जा 3 0 31 जा 3 32 जा 6 35 जा 15 33 जा 9 ठीक है 33 जा 9 10 and 1 37 जा 20 1 और 3 5 जा 15 3 1 जा 3 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 5 जा 15 3 से
3 3 9 10 11 तो होगा 3 7 21 3 5 15 नाउ 3 से 3 1 3 3 2 6 और 3 5 15 5 से 5 2 10 5 5 25 5 5 25 और 5 1 5। तो ये हमारा जो पेयर बन रहा है यानी ट्रिपलेट बन रहा है वो बन रहा है 3 का डबल ट्रिपलेट 3 3। ठीक है, 3 के 2 था फर्स्ट सेकंड एंड 5 का ट्रिपलेट। तो पेयर फैक्टर ऑफ ट्रिपलेट को बात करें तो 3 मल्टीप्लाई 5 ये आ गया 45। मैंने पहले ही बता रखा था 45 इसका क्यूब रूट है। तो स्टूडेंट हमारे ख्याल से आपके समझ में आ गया होगा कैसे हम क्यूब रूट को फाइंड करते हैं। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।